कलेक्टर को मैं नमन करती हूँ। और उसके बाद जो हम आपको टिकट देने का काम कर दिया NDA सरकार, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे श्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पांचों जो गठबंधन के हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, पांचों गठबंधन के जो हमको टिकट देने का काम किए, इसलिए उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ। और हमारे बेलागंज विधानसभा के महान जनता, हमारे भाई बहन, हमारे गार्जियन जिन्होंने हमें बेटी समझा और बहन समझा, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह आप लोग ने हमें वोट देने का काम किए, उसी तरह मनोरमा देवी बेटी और बहन बनकर हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। मैडम, 35 साल का जो शासन था RJD का, अब उसके बाद मौका मिला है आपको, ये 9 महीना चाहे जो भी 11 महीना रहे, उसके बाद 9 महीना में किस तरह का विकास आप बेलागंज में करेंगे, फिर चुनाव होगा? जी जी जी, जो भी पत्रकार भाई, जो भी टाइम मिला है, उस टाइम में हम अपने आप को ये साबित कर देंगे कि जो आप वोट दिए हैं उसके लायक हम हैं। ऐसा क्या हो गया कि सुरेंद्र यादव का तीसरा नेत्र आप पर काम ही नहीं कर पाया? देखिए पत्रकार भाई, हम तो आज मेरा खुशी का मौका है, सबको हम आप लोग भी बधाई देती हूँ, सब लोग का सबका इसमें बहुत बड़ा सबका सहयोग रहा है। और हमें कहना चाहती हूँ कि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। हम मीडियम क्लास की महिला हैं, बैकवर्ड क्लास की महिला हूँ। हम अपना सारा हमारे वोटर पर हम छोड़ दिए थे, भाई बहन पर, कि जो आपको निर्णय लेना है तो उन्होंने निर्णय लेके और जनता वोट देकर कर बता दिया जी। और आपको भी बहुत बहुत बधाई।